हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ब्रेकिंग न्यूज तो आपको यहाँ पर मिल ही गया होगा इंडिया ने नाइन टॉप के क्रिप्टो एक्सचेंज को यहाँ पे इंडिया में साइडो बैन कर दिया क्यों किया क्योंकि यहाँ पे वो सब जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर नहीं थे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्विटर पर भी यहाँ पे क्रिप्टो न्यूज सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाई बिट बाई बीट इसलिए यहाँ पे ट्रेंड कर रहा क्योंकि यहाँ पे इस लिस्ट में आपको यहाँ पे बाई एंड यहाँ पे बिटकेट एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एक्सचेंज जो भी यहाँ पे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसे यहाँ पे इन्होंने फॉलो किया होगा बाकी जो भी टॉप एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हो गया कोकॉइन हो गया गेट टू टाइ ग्लोल क्रैक एंड बिट ट्रेस तो सर यहाँ पे बंद हो गया बीट स्टार्प इसके अलावा यहाँ पे एम एक्सचेंज जिस पर यहाँ पे के वाई सी भी नहीं करना पड़ता था इसके अलावा यहाँ पे बिट फिनिक्स जैसे यहाँ पे टॉप के एक्सचेंज को यहाँ पे इंडिया ने साइडो बंद कर दिया अगर मैं आपको पे यहाँ ये पे यह जो नोटिस यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे हम एफ आई यू भी जान के नाम से भी जानते हैं उन्होंने यहाँ पे दो तीन वीक पहले यहाँ पे जो सारे एक्सचेंज को यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि आप लोग यहाँ पर अगर इंडिया में अपना काम धंधा यहाँ पर रखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसे आप यहाँ पे फॉलो करो एंड इंडिया में आपको तो लोग यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसे आप यहाँ पर कम्प्लीट करो एंड यहाँ पर ये सब जो एक्सचेंज है जो भी की जो कि टॉप के एक्सचेंज है फाइनेंस कोकॉइन ये सब एक्सचेंज अभी तक तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कम्प्लीट नहीं किया इसलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया इनके डोमेन को यहाँ पर जो बैन कर दिया एंड यहाँ पर इनके पास टाइम है अभी ये लोग यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो यहाँ पर कम्प्लीट कर सकते हैं जिससे यहाँ पर फिर से इनकी जो यहाँ पे बैन है साइड बैन वो यहाँ पे हट जाए अभी के लिए यहाँ पे ये सब जो एक्सचेंज है इन पर यहाँ पे साइडो मैन लग गया है एंड यहाँ पे इनका जो युवा है वो भी अब आप यहाँ पे कुछ दिनों में यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे इंडिया में एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना इन्होंने यहाँ पे मिनट किया कि वी डी फिर ब्राउट इन टू द एमबी ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टेररिज्म का भी यहाँ पे नाम लिया मतलब यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पे इंटरेक्शन वगैरह करता है यहाँ पे कुछ यहाँ पे गलत हो जाता है तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसका जो लिंकिंग कर रहे हैं आपको यहाँ पे टेररिज्म एंड यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फंड्स है ये कि यहाँ पे इन लोग ने तो यहाँ पर रजिस्टर किया नहीं है आपका जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह होता था उसका कोई इन लोग के पास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास तो अभी क्या है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट आपका यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसे यहाँ पे इस कैटेगरी में डाल सकती है एंड यहाँ पे इस सब में यहाँ पर एक्सचेंज की गलती है क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे सारे एक्सचेंज को बोल रखा था कि अगर आप लोग यहाँ पे इंडिया में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसे आप उस फॉलो करो एंड यहाँ पे हमारे यहाँ पे आकर के रिजटर करो एंड यहाँ पर पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले यहाँ पर जापान साउथ कोरिया उसके बाद यहाँ पर यूके में एंड अभी यहाँ पर यूएस में भी देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे जो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज को यहाँ पे बैन कर दिया था इसके कारण यहाँ पे बाइनेंस ने अपना यहाँ पे बाइनेंस डॉट यू लाया था अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन उसे फॉलो करती है बाइनेंस तो यहाँ पे ये लोग अपना न्यू डोमेन भी ला सकते हैं जो कि रहेगा गए यहाँ पे बाइनेंस डॉट इन वैसे यहाँ पर कूकइन का भी हो सकता है कोकॉइन डॉट इन तो इस तरीके से यहाँ पे इन्हें जो है इंडिया में अगर काम करना है तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पे फॉलो करना होगा इसके बाद यहाँ पर थर्टी वन ऐसे एक्सचेंज भी है जिन्होंने यहाँ पे इंडिया का रूल्स एंड रेगुलशन यहाँ पे फॉलो किया एंड यहाँ पे इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन भी कम्प्लीट किया तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है मैं अपना यहाँ पे पर्सनल एक्शन बता रहा हूँ मेरे पास जो भी यहाँ पे फंड्स पड़े हुए थे यहाँ पे जो इन नाइन एक्सचेंज में से जो भी टॉप के एक्सचेंज जैसे कि बाइनास पे था मेरा कुछ फंड कॉइन पे था तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे अपने कुछ फंड्स को यहाँ पे मैं बाई पे पर यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा क्योंकि बाई एंड यहाँ पे बी टीट एक्सचेंज यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो किया तो मैं अपना यहाँ पे कुछ फंड है यहाँ पे में बाई पे, पे ट्रांसफर करने वाला हूँ एंड आगे का जो भी मैं यहाँ पर ट्रेड वगैरह लूंगा वैंपे पे बीट एक्सचेंज पे ही लूंगा तो गई यहाँ पे आप भी यहाँ पे सेम कर सकते हो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आप यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आपके पास यहाँ पे बाई का यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे साइनअप करते हो तो मैं यहाँ पे बाई का यहाँ पर ऑफिशियल पार्टनर हूँ तो यहाँ पे आप लोग को इंस्टेंट यहाँ पे ट्वेंटी डॉलर का आपको यहाँ पर फ्यूचर बोनस भी देखने को मिलेगा क्रिप्टो में आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर आपके वाई सी होने वाला है ये आप जान लो एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो बाइनेंस एक्सचेंज हो गया या फिर जो भी एक्सचेंज है वो आपके यहाँ पर डाटा शेयर नहीं करेंगे जैसे वो यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर करते हैं यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे फर्स्ट यहाँ पर रूल यही होगा कि आपको यहाँ पे सारे टी वगैरह आपको यहाँ पे शेयर करना यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह लोग करते हैं तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की भी यहाँ पे जो रिकॉर्ड में सब कुछ आएगी क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉरन एक्सचेंज यूज़ करते हो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई टी वगैरह नहीं करता है वही अगर आप लोग यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज जैसे वजीरेक्स इसके या, आप यहाँ पे यूनो कॉइन हो गया इसके अलावा यहाँ पे बिट बी हो गया अगर ये सब एक्सचेंज आप यहाँ पर यूज़ करते हो जब पे हो गया यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक और एक्सचेंज था आ, कोई को अगर इन सब एक्सचेंज पर आप आप यहाँ पर ट्रेड कर दो तो आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पर टी करता है टी डी एस करने से क्या होता है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह रहता है जिससे वो लोग यहाँ पे ट्रैक कर पाए कि यहाँ पे कौन कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है अभी बात क्लियर है कि आपको यहाँ पे जो के करना ही पड़ेगा कोई भी एक्सचेंज यूज करो तो यहाँ पे आप इंडियन एक्सचेंज की तरफ भी अभी आप यहाँ पे जा सकते हो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने देखा था अभी आप यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये यह जो बैंक की न्यूज आई है उसका डब्ल्यू जो एस एक्स का यहाँ पे नेटिव कॉइन है उसने यहाँ पर जीरो डॉलर उसकी प्राइस चली थी सीधा यहाँ पे पम्प करके वो जो यहाँ पर प्राइस चला गया जीरो डॉलर तो देख लो यहाँ पे कितनी ज़्यादा अभी यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज पे यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली है अभी क्या था कि यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज पर वॉलूम यहाँ पे बहुत ही कम हो गई थी एकदमजिबल हो गई थी तो अभी यहाँ पे फिर से यहाँ पे वॉल्यूम आने वाला इंडियन एक्सचेंज पे क्योंकि यहाँ पे आज नहीं तो कल आपको यहाँ पे टी देना है ये आप यहाँ पे जाना एंड जो भी तो प्रॉफिट वगैरह था वो तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा सो so गाइज यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे यही अपडेट थी सारा जो भी एक्सचेंज वगैरह जो कि यहाँ पे इंडिया में एक्टिव इंडियन एक्सचेंज हो गया इसके अलावा यहाँ पे जो भी फॉरन एक्सचेंज है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करो एंड अपने कुछ फंड्स को आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करो इसके अलावा यहाँ पे आप ग्लेजर वगैरह का यूज़ कर सकते हो डेस्क का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बाकी गैस अभी के लिए यहाँ पे यही अपडेट है आप लोग तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप तो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ बाकी गैस यहाँ पे सारा लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लेना